वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हैं बाबरा प्रॉपर्टी शो। तो आज मैं आप लोगों को लेके आया हूं अमात्रा ग्रुप के प्रोजेक्ट में, जो कि सेक्टर 10 में पड़ता है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। अगर मैं दूरी की बात करूं इसकी गौर चौक से, तो इसकी दूरी पड़ती है हार्डली 8 से 9 किलोमीटर में। एक मूर्ति से 6 से 7 किलोमीटर पर यह प्रोजेक्ट पड़ जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छी इसमें बिल्ड क्वालिटी है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि कोई भी फैमिली या कोई भी इंडिविजुअल बायर ये चाहता है कि यार जहां भी उसकी प्रॉपर्टी हो, जहां भी उसका घर हो, उसके आसपास स्कूल्स हो, काफी स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, तो ये सारी टेंशन आपकी दूर होती है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि इसके पास में 100 से 200 मीटर पे बहुत सारे वेल नोन स्कूल्स पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल्स पड़ जाते हैं। और सबसे ऊपर की जो बात है वो ये है कि यहाँ पे इस सोसाइटी के सामने ही 100 मीटर लेफ्ट या 100 मीटर राइट में आपको मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड है आपका। और दूसरी बात, इसके सामने मेन हाईवे पे ये प्रोजेक्ट है और 130 मीटर वाइड रोड है। तो चलिए काम करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, प्रॉपर्टी का टूर ले लेते हैं और बाद में यहाँ के जो सेल्स हेड है वो आपको ब्रीफ देंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, कितनी यूनिट है, कितने एकड़ में, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हो या मेरे डायरेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो चलिए टूर लेते हैं। सो ये हो जाती है हमारे फ्लैट की एंट्री, ये एंट्री गेट है। चलिए मूव करते हैं अंदर। सो ये है हमारा ड्राइंग एरिया। सो ड्राइंग एरिया की अगर मैं साइज की बात करूं तो 17.6x11 का साइज है। ये पड़ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया का जो साइज है वो 10x11.4 का साइज है। सामने ये हमारी बालकनी है। बालकनी का जो साइज है वो 5 फीट वाइड बालकनी है। मूव करते हैं किचन की तरफ। सो ये हमारी किचन है। किचन की साइज की अगर मैं बात करूं, सो ये साइज है 10.4x8 का साइज है, विच इज अ गुड साइज। आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस है, आप कितने ही कैबिनेट इसमें बना सकते हैं। सामने ये यूटिलिटी बालकनी है जिसका साइज है 5 फीट वाइड। सो मूव करते हैं अगेन अपना डाइनिंग एरिया। सामने अपना ड्राइंग एरिया, ये आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस ये लग रहा है। सो मूव करते हैं अपनी मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम की अगर मैं साइज की बात करूं तो मास्टर बेडरूम का जो साइज है वो है 14x11 का साइज है, विच इज अ वेरी गुड साइज, काफी स्पेशियस है आप देख सकते हैं। आप देखेंगे इसमें जो वार्डरोब है वो भी ट्रिपल डोर वार्डरोब है, काफी स्पेशियस है। अटैच बालकनी है, बालकनी का अगेन सेम 5 फीट वाइड। सो अटैच्ड वॉशरूम है। वॉशरूम का जो साइज है वो 5.6x7.6 का साइज है, विच इज अ डिसेंट साइज। चलिए मूव करते हैं अपने सेकंड रूम की तरफ। सेकंड रूम की अगर मैं साइज की बात करूं तो सेकंड रूम का साइज है 10x12 का, विच इज ऑल्सो ए डिसेंट साइज। वार्डरोब है, वार्डरोब जो है डबल डोर वार्डरोब है, काफी जो सीलिंग हाइट तक इसकी हाइट दी गई है। ये बालकनी हो गई, बालकनी अगेन 5 फीट वाइड, आप इस एंगल से भी देख सकते हैं, काफी काफी डिसेंट साइज है। अटैच्ड वॉशरूम है। अगर मैं वॉशरूम की साइज की बात करूं तो 6 फीट बाय 8 का साइज है,
और यही वॉशरूम कनेक्ट करता है आपका डाइनिंग एरिया ड्राइंग एरिया से भी, इनकेस अगर गेस्ट आते हैं तो वो बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, रूम में जाने की नीड नहीं पड़ेगी उन्हें। सो चलिए बाहर चलते हैं इस रूम से, मूव करते हैं हम अपने थर्ड रूम की तरफ। थर्ड रूम के अगर मैं साइज की बात करूं तो अगेन सेम साइज 10x12 का साइज है। इसमें भी आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा, वार्डरोब मिलेगी। मूव करते हैं वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम के अगर मैं साइज की बात करूं सो वॉशरूम का साइज है 5.6x7.6 का, विच इज ऑल्सो ए ओके साइज। अगेन वार्डरोब, डबल डोर वार्डरोब मिलेगी आपको सीलिंग हाइट तक, और आपको इसमें बालकनी भी 5 feet वाइड मिलेगी। काफी स्पेशियस है, कोई कंजेस्टेड रूम नहीं है, काफी स्पेस दिया गया है रूम्स में। ये आपकी बालकनी होगी अगेन 5 feet वाइड। सो ये हो गया आपका फ्लैट का टूर। सो चलिए इस वीडियो को मैं यहां एंड करता हूं, बात करते हैं यहाँ के प्रॉपर्टी सेल्स हेड से। सो जैसे कि आपने फ्लैट का टूर ले चुके हैं तो अब बात करेंगे हम इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या क्या एमिनिटीज है, आसपास के एरिया के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं यहाँ की सेल्स टीम के कमल जी। सो कमल जी स्वागत है आपका चैनल पे। नमस्कार जी। अच्छा आप ये बताइए कि आज ये प्रोजेक्ट कितने एकड़ में है? ये जी अगर हम इस प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो बेस्ट पार्ट क्या है कि टू साइड ओपन है और पूरा हमारा ये 5 acres के अंदर है जिसमें हम 10 towers बना रहे हैं। 10 towers, कितना ग्रीन एरिया है इसमें? इसमें ग्रीन एरिया 70% अबव ही आ जाता है। रीजन क्या है कि हमने एक फ्लोर पे केवल चार फ्लैट्स का ही कॉन्सेप्ट रखा है यहाँ पे, तो हमारे नंबर ऑफ फ्लैट्स भी यहाँ पे काफी कम आ जाते हैं। नंबर ऑफ फ्लैट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे 926 फ्लैट आते हैं ओवरऑल अगर हम पूरी सोसाइटी की बात करते हैं। अभी जैसे आपने ग्रीन एरिया के लिए बोला तो बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या है कि पूरा प्रोजेक्ट ही पोडियम बेस्ड है, तो पोडियम बेस्ड में क्या होता है कि आपको ग्रीन एरिया थोड़ा ज्यादा मिल जाता है बेसिकली आपको, और चार फ्लैट का कॉन्सेप्ट है तो कॉर्नर यूनिट से सारी टावर्स के बीच में गैप बहुत अच्छा है, तो ये काफी अच्छा और ग्रीन काफी व्यू है बेसिकली अगर हम प्रोजेक्ट की बात। ओके अच्छा अगर हम पेमेंट प्लान्स की बात करें सो लोन वगैरह कितना हो जाएगा, कितना एडवांस देना पड़ेगा, कुछ इस बारे में बताइए। देखो हमारे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आप बात करते हैं पेमेंट प्लान की। पेमेंट प्लान में क्या है कि आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी डिलीवर सोसाइटी है, हमने फेज वन में पोजीशन दे दिया है और लगभग 80 families यहाँ पे अभी हमारी शिफ्ट हो चुकी हैं। तो दूसरा फेज में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमने लगभग 375 families फ्लैट्स जो हैं वो भी हमने ऑफर कर दिए हैं, तो वहाँ पे भी हमारी फैमिली अब मूव होना शुरू हो जाएंगी। तो पेमेंट प्लान इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पूरा हमारा डाउन पेमेंट ही आता है। हमारे पास एक फेज 3 है जिसमें हमारे 3 BHK आते हैं, वहाँ पर हमारा पेमेंट प्लान जो है वो 50-50 आता है। 50-50 का जी सभी यूनिट्स में 2 BHK या 3 BHK सभी में 50-50 का प्लान जाता है? नहीं, बेसिकली फेज 3 में जो हमारे आते हैं वो सिर्फ हमारे केवल 3 BHK आते हैं। अच्छा। और जितने भी हमारे 2 BHK हैं या 2+ study की अगर हम बात करते हैं तो वो सारे हमारे डिलीवर्ड है बेसिकली, वो हमारे रेडी टू मूव है। रेडी टू मूव, हाँ। तो उसमें किसी में फैमिली रह रही है और कोई हमारे आने वाले 2-3 months में फैमिली यहाँ पे अब शिफ्टेड हो जाएंगी। नहीं, इन केस कोई फ्लैट लेना चाहता है जी और उसको वो 10% या 20% बुकिंग अमाउंट देना चाहता है, रेस्ट वो लोन कराना चाहता है जी, तो इसमें क्या प्रोसीजर है इसका? हमारे यहाँ पे बेसिकली 10% से तो बुकिंग अमाउंट हो गया उनका, देन अगर हम 2 bedroom में जाते हैं तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम 90% तक भी लोन हो जाएगा। 90% अगर हम बात करते हैं विद इन ए 1 month का ये प्रोसेस होता है सारा। विद इन ए 1 month में फिर वो आपका बैंक से लोन आपने कराया जो आपकी सेल्फ फंडिंग है उसके थ्रू हमारे यहाँ। ओके जी। सो हमारा इसमें 10% बुकिंग अमाउंट और 90% का जो है आपको लोन हो जाएगा जी।
सेकंड चीज आसपास जो जरूरी होती है किसी भी फैमिली के लिए कि आसपास स्कूल्स कितने हैं और कौन से स्कूल्स हैं, कुछ बताएंगे उसके बारे में। देखिए अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं। अगर हम आपकी टाइमिंग की बात करेंगे तो हार्डली आपको 5 to 10 minutes के ही डिफरेंसेस में सारे स्कूल्स आ जाएंगे। आप चाहे उसमें जी डी गोइंका पब्लिक स्कूल की बात करें, चाहे आप उसमें डी पी एस की बात करें, चाहे आप मिलेनियम पब्लिक स्कूल की बात करें, अदरवाइज और भी 4-5 स्कूल है जैसे एस्टर पब्लिक स्कूल हो गया, आपका बी जी एस इंटरनेशनल हो गया, सेल्वेशन ट्री हो गया, तो आपको नियर अबाउट 8 to 10 स्कूल है जो आपको 5 to 10 minutes के डिफरेंसेस में डिस्टेंस में ही आपको आ जाते हैं। सारे के सारे A-list स्कूल है। हाँ, A-list स्कूल। अच्छे स्कूल। अच्छे स्कूल्स हैं हमारे। अच्छा, दूसरी चीज जो कोई बाहर देखता है वो देखता है हॉस्पिटल्स आसपास कितने हैं और कौन कौन से हैं, कुछ बताएंगे उसके बारे में। जी यहाँ पे हॉस्पिटल्स की भी हम बात करें तो मैंने आपको जैसे स्कूल्स में बताया तो 5 to 10 minutes में मैक्सिमम टाइम है अपना की जो आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स की भी हम बात करते हैं तो आपको सावित्री हॉस्पिटल्स है वो जस्ट हमारे KP5 में जस्ट अपोजिट आ जाता है। उसके अलावा यथार्थ हॉस्पिटल्स है, तो काफी अब धीरे धीरे से जैसे जैसे फैमिली आ रही है वैसे वैसे चीज़ें डेवलप प्रॉपर हो रही हैं। बट रिसेंटली अभी हम बात करें यथार्थ हो गया, सावित्री हो गया, ये है, फिर उसके बाद में फिर ग्रेटर नोएडा वाले, क्योंकि हार्डली यहाँ से 15 to 20 minutes का रन है। अगर हम कैलाश हॉस्पिटल की बात करते हैं, सेम पीछे फोर्टीज़ की बात करेंगे तो वो भी हार्डली अब 15 to 20 minutes में आप वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मार्केट जो है उसका क्या वो है मार्केट के लिए हमने क्या किया हुआ है, जो भी अगर डेली नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो वो हमने सोसाइटी में ही शॉप्स दी हुई हैं। हमारे यहाँ पे टोटल 18 शॉप्स हैं जो जो भी डेली नीड्स के पॉइंट्स हैं वो हमारे यहीं पे अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, अभी रनिंग है वो? रनिंग स्टेज में है। अगर हम शॉप्स की बात करते हैं, कोई भी अगर बड़े कोई हमें शॉपिंग करनी है तो वो हार्डली आपको वही अपने गौर चौक पे यहाँ से जो लगभग 6.5-7 kilometers है वहाँ पे अभी। अच्छा, गौर चौक यहाँ से 6 to 7 kilometers डिस्टेंस पे, यानी कि मान के चले 5 to 7 minutes का रन है बेसिकली। अच्छा, ग्रेटर नोएडा? सेम ग्रेटर नोएडा की हम बात करते हैं तो वो भी 8 to 10 kilometers के डिस्टेंस पे। परी चौक वगैरह? परी चौक यहाँ से 10 to 12 वही अपना मतलब 10 to 15 minutes हार्डली यहाँ पे से डिस्टेंस है। अगर आप पीछे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की बात करें, आप चाहे नोएडा की बात करें, चाहे ग्रेटर नोएडा की बात करें या एक्सप्रेसवे की बात करें, तो ये सारे जो एरिया हैं ये हमारे हार्डली आपके 10 to 15 minutes के डिस्टेंस में ये कहीं ना कहीं आपको आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ से कॉर्पोरेट एरिया लाइक कोई फैमिली शिफ्ट होती है और वो जॉब करती है यमुना एक्सप्रेसवे पे या सेक्टर 150 में, उस तरह के जो वो पूरी बेल्ट है कॉर्पोरेट एरिया की, वहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से अगर मैं बात करूँ कितने टाइम लगता है या कितने किलोमीटर? अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो यहाँ से आपको लगभग वही 25 to 30 minutes का 20 minutes से 30 minutes के बीच में रन बेसिकली है। रीजन क्या है कि बेस्ट पार्ट की ये एक्सप्रेसवे है। अच्छा। यहाँ पे कोई रेड लाइट आपको नहीं मिलेगी तो आपका जो रनिंग टाइम है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जब जहाँ पे रश होता है तो टाइमिंग आपको ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को होता है कि आसपास कौन कौन से बिल्डर हैं जो अच्छा कर रहे हैं, डेवलपर कौन कौन से हैं जो आसपास में आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वो कुछ उस बारे में बताएंगे? जी देखो, यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस सेक्टर का ही कि यहाँ ये सबसे लो डेंसिटी सेक्टर है। अगर हम ओवरऑल ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करते हैं तो सबसे लो डेंसिटी सेक्टर है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे हार्डली अभी 10 developers काम कर रहे हैं, जिसमें आपको ETS भी मिल जाएगा, जिसमें हम तो हैं अमात्रा, बेसिकली महागुना आपको आ जाता है, अरिहंत आ जाता है, ABA क्रॉप आ जाता है, जिनका चेरी काउंटी, कोको काउंटी, क्लियो काउंटी है, ये है, तो यहाँ पे सारे अच्छे डेवलपर्स हैं और बहुत ही लो डेंसिटी एरिया है अगर हम इस एरिया की बात करते हैं अपना। और आपका सोसाइटी के साइड में मैंने देखा था प्रोजेक्ट के साइड में गवर्नमेंट का कुछ लैंड पड़ा हुआ है, वो क्या है? यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमारे जस्ट बराबर में ही अथॉरिटी का पार्क है ये, तो हमारा प्लॉट हम कह सकते हैं कि 2 sides ओपन है, एक तरफ अथॉरिटी पार्क हो गया, एक तरफ हमारा मेन हाईवे हो गया, तो मेन हाईवे पे आपकी मेट्रो की कनेक्टिविटी है, सेक्टर 10 का यहाँ पे मेट्रो स्टेशन प्लान है बेसिकली, तो सामने ही जस्ट बिल्कुल मेन हाईवे आ जाता है, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेस्ट है। आप चाहे खुद के व्हीकल से हैं, आपको मेट्रो बस है वो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल रहती है, आने वाले टाइम में मेट्रो है, मेट्रो यहाँ पे आपको। अच्छा, मेट्रो कब ऑपरेशनल हो जाएगी यहाँ पे? मेट्रो का यहाँ पे काम तो स्टार्ट हो गया था, लॉकडाउन से पहले भी स्टार्ट हो गया था, बट वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिले हो गया, मान के चले 2 साल में, 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पे। अच्छा, कहाँ पे आएगा मैं, कितने इस प्रोजेक्ट से कितनी दूर पे मेट्रो स्टेशन? देखो अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हार्डली आपको 100 meters के डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि हम जो बैठे हुए हैं हम मेन हाईवे से हार्डली 125 meters पे बैठे हुए हैं, तो हमारे मेन हाईवे पे मेट्रो है। अभी एग्जैक्टली तो हम ये नहीं कह सकते कि मेट्रो स्टेशन
वॉक-इन क्या होगा, वो आपको 100 मीटर इधर भी हो सकता है या 100 मीटर इधर भी हो सकता है, बस होगा वो वॉक-इन पे ही। ओके जी, फाइन। अच्छा, कुछ एमिनिटीज के बारे में बताएंगे, क्या क्या एमिनिटीज अवेलेबल है प्रोजेक्ट में? एमिनिटीज की आज के टाइम पे जो भी हम बात करते हैं, जो मॉडर्न एमिनिटीज बना रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। साथ में हमने यहाँ पे एडिशनल में क्या किया है, लाइब्रेरी का एक कॉन्सेप्ट लाए हुए हैं। आजकल जो क्या है कि अब सब वर्क फॉर होम का कल्चर चल रहा है, ये हमने पहले से ही सोचा हुआ था, वो ऑलरेडी हमारे क्लब में है। तो हमने दो क्लब बनाए हैं बेसिकली। एक क्लब के अंदर हमने सारी फैसिलिटीज दी हैं, आपके लाइब्रेरी हो गया, आपका वर्क फॉर होम का कल्चर हो गया, आपका क्रच हो गया, आपका ये सारी चीजें, इंडोर गेम्स जितने, जिमनेशियम, वो तो सब होता ही है। दूसरे में हमने क्या किया है, हमने उसके अंदर एक ट्यूशन सेक्शन हमने स्पेशली दे दिया, बच्चों को आजकल पढ़ाने के लिए प्रॉब्लम होती है, होम ट्यूटर है आजकल, ये डिस्टेंसिंग का, तो वो कॉमन स्पेस यूज कर सकते हैं ट्यूशन पढ़ाने के। जी जी जी, साथ में उसमें हमने बैंकेट सेपरेट दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बेस्ट पार्ट है। कितनी कैपेसिटी का बैंकेट हॉल है हमारा? जो बैंकेट हॉल है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अगर हम एक आइडिया लें तो लगभग हमारा ये 28 to 50 feet, मतलब तो लगभग 1700-1800 स्क्वायर फीट का एरिया निकल गया था। तो आप ये कि 100 to 150 में गैदरिंग अच्छी कर सकते हो आप, क्योंकि काफी बड़ा हॉल आपके निकल गया था। अच्छा, चलिए फाइनली हम बात करते हैं प्राइस के बारे में और साइज के बारे में, एक बार बात कर लेते हैं। सो आप कुछ बताइए प्राइस और साइज के बारे में। हमारा जो साइजेस है, हमारे यहाँ पे हम 2 bedroom जो बना रहे हैं वो 965 स्क्वायर फीट में 2 bedroom 2 toilets विद 3 balcony के साथ में, बहुत ही स्पेशियस फ्लैट्स है। जैसे मैंने आपको बताया एक फ्लोर पे 4 ही फ्लैट्स है। तो इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये हमारा लगभग वही 30 की रेंज में, 2950 इस रेंज में हमारा स्टार्ट हो जाता है। 30 की रेंज में जो होता है, इसमें आपका इंक्लूडिंग एवरीथिंग होता है या फिर कुछ अलग होता है? नहीं, इसमें हमारा ये ऑल इंक्लूसिव है। कुछ ऑल इंक्लूसिव जैसे कि जैसे इसमें पार्किंग वगैरह सारी चीजें हो गई आपका, और आपका क्लब मेंबरशिप वगैरह, ये सारी चीजें इसमें। इसके बाद में जस्ट जो आपका रिमेनिंग रह जाता है वो कुछ पोजेशन चार्जेस जैसे मेंटेनेंस वगैरह है वो आपको रहता है, मेंटेनेंस एक्स्ट्रा पे करना। हाँ, मेंटेनेंस हो गया, एक एनपीसीएल का गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या गवर्नमेंट मीटर लग रहे हैं वो एनपीसीएल मीटर हो गया, और एक आपको आईजी लग, जस्ट ये 2-3 चीजें रहती है। तो और एक आपका रजिस्ट्री, रजिस्ट्री यहाँ पे 5% और 1% आपका गवर्नमेंट फीस, तो आप 6% के अप्रोक्स आप 6% के जीएसटी जो आप बोलते हो? नहीं, जीएसटी नहीं, ये बेसिकली रजिस्ट्री, अगर हम रजिस्ट्री कॉस्ट है 6% ही जाएगी। 6% अलग से कुछ जीएसटी वगैरह का कुछ नहीं है हमारा। अगर हम बात करते हैं तो हमारा अंडर 30 में यहाँ पे 2 bedroom बेसिकली स्टार्ट हो जाता है, अगर हम 965 की बात करते हैं। ओके, एंड व्हाट अबाउट With all inclusive, with GST, with parking वगैरह सारी चीजें। 3 BHK में? हाँ, 3 BHK में basically हमारे पास जो size है वो 1591-1405, तो 3 bedroom 3 toilet with 5 balcony के साथ में हमारे पास आ जाता है। ठीक है, और इसमें एक सर्वेंट में भी basically अगर हम बात करते हैं तो वो भी अपना आ जाता है। तो थैंक यू सो मच ये सारी डिटेल देने के लिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप इसके अलावा भी कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, आप उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।